आजादी के पहले बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आपको पता है तीन जगह उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई, प्रांतीय प्रेसिडेंसी, तो उन तीनों जगह पे एक एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया। सबसे पहले गए वो बंगाल में, वहां पे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, फिर आए बॉम्बे में और लास्ट में मद्रास। ऊपर से नीचे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये कौन से साल के अंदर बनाया गया आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, इतना सी सेट में पूछते नहीं, लेकिन हाँ क्रोनोलॉजी में अगर बहुत खींचे पूछ भी लिया तो याद रह जाए। ऊपर से नीचे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक सबसे पहले चलते थे। फिर आगे चल के इन तीनों को नोट छापने का भी काम दे दिया गया, और आजादी के बाद ये काम अब कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा समय और गया, फिर 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके एक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चल के इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया इन 1955, और हमारे पास आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI की क्या हिस्ट्री थी, ये वाली हिस्ट्री। इंडियन बैंक की बात करें, आजादी के पहले भारतीय बैंक 1707 में एक बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन इसको हम इंडियन बैंक नहीं बोल सकते बिकॉज उसका पूरा मैनेजमेंट यूरोपियंस के हाथ में था। अपना जो खुद का स्वदेशी इंडियन बैंक जो बोले तो वो था अलाहाबाद बैंक इन 1865, और आगे चल के अपने बड़ौदा स्टेट के अंदर राजा गायकवाड़ III उन्होंने बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ भी एग्जैक्ट ईयर मैक्सिमम याद रखना हो तो अलाहाबाद बैंक 1865, बस वो। उसके अलावा और कौन कौन से अपने इंडियन स्वदेशी बैंक की जिसका पूरा मैनेजमेंट भी भारतीय लोगों के हाथ में था, एक जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बंगाल रीजन की बात करें तो एक बना था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और फिर एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 आजादी के बाद। सिंध और पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक बना, पंजाब सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मुंबई में जाएं तो वहां तो क्योंकि वो पोर्ट सिटी और पूरा ट्रेड एंड फाइनेंस सेक्टर वहां पे पहले से डेवलप था, तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, ये सब यहां पे। ऐसा आज की तारीख में तो आपको ये देना बैंक का ब्रांच हर एक जगह पे मिल जाएगा, लेकिन ये इनकी जन्मभूमि क्या है, तो ये कुछ सेंटर जो पहले से ही मेजोरिटी ऑफ देम की वो ट्रेड के लिए पोर्ट थे, पहले से ही कारोबार काफी विकसित था, वहीं पे ये सारे बैंक बने हैं। कर्नाटक मैंगलोर रीजन की बात करें तो कॉरपोरेशन बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, ये सब वहां पे। और अंत में साउथ इंडिया के अंदर एक आंध्रा बैंक और तमिलनाडु के अंदर दो थे, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये पूरी क्रोनोलॉजी वगैरह यूपीएससी के कोई काम का नहीं, एटमैक्स अपना जनरल स्टडी मुख्य परीक्षा का पेपर वन वहां पे एक है, लोकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री है। तो ये पूरा फाइनेंस मतलब सर्विस सेक्टर, तो आप गौर करिए ये सारी कौन से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई पोर्ट सिटी होना चाहिए, आंध्रतम, ये विशाखापट्टनम और ये पूरा एरिया, यहाँ पे भी, ये मुंबई वाला भी, यहाँ कोलकाता, तो मतलब कि जो ट्रेड के लिए बेहतर होता है पोर्ट सिटी, और पोर्ट सिटी के आजू बाजू यहाँ पे ये टेक्सटाइल बिजनेस था, यहाँ पे भी ये जूट इंडस्ट्री, तो इस प्रकार के एरिया के अंदर फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पहले से डेवलप था, और जो बाहर का बंदा आके कोई अगर नया बिजनेस भी शुरू करना चाहे तो उसे वो कर सकता है, और यही कारण है ये सारे राज्य आप देखें तो व्हाई दे आर फाइनेंशियली केपेबल या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। एनीवेज वापस आते हैं हम, फिरंगी बैंक की हमने बात करी, तीन बने थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, मर्ज करके बना इंपीरियल बैंक, आगे चल के बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्लाइंट बेस या कस्टमर बेस कौन था? ब्रिटिश आर्मी के अफसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS उनके ऑफिसर्स, जजेस, फॉरेन मर्चेंट्स, इन लोगों को जो भी पगार या प्रॉफिट हुआ वो सेव करना हो, अपने विदेश के अंदर फैमिली को वापस भेजना हो, एक ट्रेडर को दूसरी जगह से कुछ माल मंगवाना हो, भिजवाना हो, तो ये पूरा फाइनेंस का काम ये फिरंगी बैंक करते थे। इनका ये नहीं था कि हम गरीब लोगों को ये सब्सिडाइज रेट पे कुछ ब्याज दे देंगे और एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए, नहीं। अपने जो इनके सामने थे स्वदेशी बैंक्स, अलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब इनका भी क्लाइंट बेस या फोकस एरिया, क्योंकि वो सारे पोर्ट सिटी के आजू बाजू लगे थे, तो जो फॉरेन ट्रेड करने वाले अपने मर्चेंट्स थे और अपने जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े थे, तो उन लोगों को फाइनेंस करना, उनकी मदद करना, ये उनका मुख्य मकसद था। ये भी इनका भी ये नहीं था कि हम गरीब लोगों को कोई सब्सिडाइज रेट पे ब्याज दे दे, ये वो नहीं। तो एक टर्म हम देखते हैं बार बार, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन, इन सबकी सुविधा मिलती रहे। आप सोच के बताइए, यहाँ पे इस प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन हाई था कि लो था? लो था, राइट? क्योंकि अभी भी जो गरीब लोग थे वो तो श्रॉफ, मनी लेंडर, शाहूकार, इनके पास जाते, और क्लास 12 NCERT में आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे वो अहमदनगर और
डेक्कन रीजन के अंदर वो कॉटन कल्टीवेशन करने वालों को वो साहूकार पैसा देता था, और फिर डेक्कन रिवॉल्ट हुआ, सारी वो अकाउंट्स बुक जला दिए, ये वो, तो एक्सप्लोइटेशन, डेब्ट ट्रेप, ये सारे मुद्दे चलते थे। हिस्ट्री के अंदर आपने कई बार, वो तो आपको पता है कि यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट वापस देते थे ताकि अपना हैंडीक्राफ्ट बिजनेस सारा चौपट हो गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये भी गरीबी और विशेष पॉवर्टी एंड डेब्ट ट्रेप इसके लिए ये कारणभूत था। तो फॉर्डर पॉइंट के रूप में आप ये ऐसे इंटरव्यू वगैरह में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजादी के पहले कुछ फिरंगी बैंक थे, कुछ अपने स्वदेशी बैंक थे। थोड़ा आगे बढ़े तो बाय 1930s कुल मिला के 1200 से ज्यादा बैंक भारत में थे, क्योंकि उस वक्त ये SLR और CRR और बैंक का लाइसेंस लिया ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। कोई भी आदमी कंपनी लॉ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ऐसा बैंक खोल सकता था, जैसा आजकल किसी भी राज चलते को पूछे सुख करो जो GPSC। उस वक्त आप चलते तो वो बोलते थे कि भाई बैंक चलाते हैं, कोई भी ओंगा पोंगा मतलब कि बैंक खोल सकता है। लेकिन उसकी एक समस्या हुई 1929-30 के समय में, अमेरिका के अंदर आ गया ग्रेट डिप्रेशन। उस भारी मंदी में उनका स्टॉक मार्केट चौपट हो गया, उनकी सारी जो कंपनियां यहां से कुछ इम्पोर्ट करवाती थी ऑर्डर आने बंद हो गए, पिछले जो हमने माल भेजा था उसका पेमेंट आना भी वो धीरे धीरे बंद होने लगा। यूरोपियन कंपनियों ने भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो वो सारी भी कमजोर पड़ गए, तो हम यहाँ से जो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करते थे वो सारे ऑर्डर भी कम होने लगे, वहां से जो पेमेंट आता था पिछले ऑर्डर्स का वो भी पूरा चौपट हो गया। तो कई सारे अपने जो ट्रेडर्स थे वो उनका बिजनेस ठप हो गया, और उन्होंने जो बैंकों से लोन लिया था वो भी वो वापस नहीं कर पाए। तो इस चक्कर में ये 1200 में से कई सारे बैंक भी खड्डे में चले गए। तब सरकार को, उस वक्त की ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि ये कंपनी लॉ के तहत इनका मॉनिटरिंग रेगुलेशन ये सही नहीं, अलग से कोई संस्था होनी चाहिए। एंड थस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न इन 1934 एक्ट बनाए, और 35 से वो अपना काम शुरू करती है। तो इस प्रकार ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसे बर्थ हुआ, क्या फैक्टर्स रहे थे, ये फैक्टर्स। आजादी के बाद का भारत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे वो बड़े बड़े बैंक तो थे, हाँ, लेकिन इनका भी अभी तक फोकस या क्लाइंट बेस वो गरीबों की मदद करना नहीं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जो भी बन रहे हैं, ये नई हैवी इंडस्ट्री बनाएंगे तो बाजू में जो भी टाउनशिप बंद लगते हैं वहां पे एक नवीन मध्यम वर्ग का जो उदय हो रहा है उनको हम केटर करेंगे, ये इनका फोकस रहता था। तो क्या ब्रांच, बैंक ब्रांच की संख्या बढ़ी, हाँ वो तो बढ़ी। क्या रूरल पेनिट्रेशन बढ़ा, नहीं। गांव में जाके कौन काम करे, वहां पे तो मतलब इतना डिपॉजिट भी आएगा नहीं और लोन भी जाएगा नहीं। क्या इन सभी बैंकों ने सरकार के पंचवर्षीय योजनाओं में एक्सपांड करने में मदद की, जवाब है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर फोकस था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर को मदद करेंगे, इनका ये मतलब क्लाइंट बेस भी था नहीं और इन्हें इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। और सबसे बड़ी खामी कि इंडस्ट्रियल हाउसेस और बैंकों के बीच एक नेक्सस था, समझते हैं। ये सारी बैंक बनी थी तो कैसे, बेस के अंदर रहता है शेयर होल्डर्स रहते हैं सभी, ये शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग होती है तो उसमें से चयनित होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनका रहता है चेयरमैन। अब ये बोर्ड तय करेगा कि किसको CEO या फिर MD बनाना है, फिर वो CEO अपने नीचे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को रखेगा, फिर वो टॉप एग्जीक्यूटिव के नीचे फिर अपने बैंक PO, क्लर्क, अकाउंटेंट, इस करके ये अपना बैंक बनेगा। फिर आपने कुछ डिपॉजिट करवाया, किसी को लोन में पैसा दिया और इस प्रकार ये बैंक चल जाएगी। बैंक चलेगी तो होगा प्रॉफिट, और फिर उस प्रॉफिट के अंदर से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे कि कितना पैसा हमने ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है और कितना पैसा वापस बैंकिंग एक्सपांशन के अंदर लगाना है। इस प्रकार से कुछ बैंक चलती है। पॉलिसी डिसीजन सारे बोर्ड लेता है, डे टू डे फायर फाइटिंग CEO करता है। अब आप समझिए, जिस भी बैंक के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइज मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो स्वाभाविक है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगा तो उसके ही चुनिंदा लोग, उसके ही पसंदीदा लोग बोर्ड में रहेंगे, और फिर जो भी बैंक काम करेगी तो उन इंडस्ट्रियल हाउसेस को केटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं नई फैक्ट्री लगा रहा हूं तो आप बाजू में आके ब्रांच खोलो, वहां गांव में जाके ब्रांच खोलने की कोई जरूरत है नहीं। मेरा मार्केट में रेपुटेशन भी खराब है, कोई बात नहीं, मैं अगर नया बिजनेस प्रपोजल लाऊं तो आप विदाउट वेरिफिकेशन ड्यू डिलीजेंस मेरा लोन तुरंत पास कर दो। मैं आपको EMI नियमित रूप से नहीं दे रहा हूं तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा फैक्ट्री उसको आप जब्त नहीं करेंगे, उसकी नीलामी नहीं करेंगे, पूरा चलता रहेगा। उसी प्रकार बैंक के अंदर भी जो टॉप लेवल की रिक्रूटमेंट करने चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पीपल नहीं, मेरे जीजा, मेरे साले, मेरे जमाई, उन सबको आप लगाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब केवल सिलेक्टेड फ्यू फैमिलीज को केटर किया जा रहा था, नीचे मेरे आपके जैसे लोग केवल डिपॉजिट में पैसा दे रहे, सारा वहीं पे जा रहा है।
हमें अगर कुछ काम करवाना हो तो ये सब जो नेक्सस था बिटवीन इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड बैंक्स, सरकार को लगा इसे बंद करवाना होगा तभी कुछ देश का विकास हो पाएगा। ये बंद कैसे करवा सकते हैं कि सरकार ये जो शेयर होल्डर है इंडस्ट्रियल हाउसेज जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो सारे शेयर अगर सरकार के हाथ में आ जाए तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिर सरकार के पसंदीदा लोग आएंगे और फिर जो बैंक जो भी काम करेगा सरकार की नीतियों के अनुगत करेगा। तो इस कारण से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन जो किया गया, पहले हमने SBI की जो बात कर रहे थे, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे उन्हें मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक, और उसे फिर आगे चल के जब राष्ट्रीयकरण किया गया इन द ईयर 1955 तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, ये एक बात। आगे चल के इंदिरा गांधी की सरकार में 1969 के अंदर उन्होंने सोचा कि और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। ऐसी कुल मिला के 14 बैंक सिलेक्ट की गई जिसके अंदर डिपॉजिटर्स का 50 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा हम लोगों ने, मेरे आपके जैसे लोगों ने बनाया है, जमा करवाया। ऐसी 14 बैंकों को पकड़ के उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1980 में फिर से और 6 बैंकों को पकड़ा गया कि जिनके अंदर डिपॉजिटर्स ने 200 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा लगाया है, आंध्रा बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये वो, तो इनका भी आगे राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, रीजनल रूरल बैंक्स बनाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड वगैरह, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो नेशनलाइजेशन किया गया, एक तो लेट 60s के अंदर 69 में 14 बैंकों का और फिर 80 के अंदर 6 और बैंकों का। UPSC के अंदर ऐसा ट्रिवियल जूके तो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन से बैंक थे जिनका कब राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सारा टेबल आप स्लाइड में से याद कर लीजिएगा। प्रीलिम 2009 एक सवाल पूछा गया, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज अर्लियर टू टेक प्लेस, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ SBI का राष्ट्रीयकरण, इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और डी है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना, इनमें से कौन सी घटना आजाद भारत में सबसे पहले हुई। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप मन में सोचिए क्या होना चाहिए। कितने लोग इसको स्कीप कर देंगे, पक्का मालूम ना हो तो दुख के बाजी से बेटर है कि स्किप कर दिया जाए। कितनों को लगता है इसका जवाब होना चाहिए डी, फर्स्ट 5-year प्लान। ओके, SBI का नेशनलाइजेशन बी ऑप्शन, कितनों को लगता है ए ऑप्शन, इंश्योरेंस कंपनी वाले सी, देख ले, ये एक प्रकार का फैक्ट टाइप का सवाल है तो हमको मालूम होना चाहिए कि कब क्या हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन वो भी SBI के पैरेलल ही 55-56 में चलता था, SBI का नेशनलाइजेशन ये तो याद होना चाहिए 55 में। इलेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो बना 1949 और फर्स्ट 5-year प्लान बना 1951 में, तो मतलब जवाब क्या होगा, सबसे पहले हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना। अगर मैं चाहता तो यही मुद्दा जब RBI का वो जो स्लाइड था आजादी से पहले उसे क्यों बनाया गया उसमें ये मैं बात कोट कर सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये बताने के लिए कि कैसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो पक्का बताओ तो ही अटेम्प्ट करना चाहिए वरना स्किप करके आगे बढ़ जाना बेहतर। आज की तारीख में अब ये सरकारी बैंक की क्या है, कुल मिला के 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कई किताबों में 22 लिखा होगा, कुछ में अलग नंबर दिया होगा कि 21 बैंक्स एक तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरफ और उसके 5 एसोसिएटेड बैंक्स वो एक तरफ, तो 21 + 1 = 22 + 5 = 27 पब्लिक सेक्टर बैंक है आज। कुछ किताबों में बोला होगा कि 26 बैंक, वो गलत है, कारण भारतीय महिला बैंक वो एक नया आ गया है। ये पूरा लिस्ट अगर आपने देखना हो तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन उसका ये ऑफिशियल साइट है, आपको मिल जाएगा। UPSC के लिए काम करना ही बैंक इंटरव्यू वगैरह में आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हैं। अब सवाल होगा कि 22 है या 27, MCQ में अगर पूछा जाए तो कौन सा लिखेंगे, अगर 21, 22, 23, 24 है तो फिर होगा 22, 27 वाला है, अगर दोनों ही होंगे तो क्या होगा। पीजे नायक कमेटी बनाई गई RBI द्वारा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लगते हैं, उसने अपने पूरे रिपोर्ट के अंदर बोला है 27 बैंक्स, मतलब अपना ऑफिशियल आंकड़ा क्या है 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। खैर ये UPSC में इतना ट्रिविल कोई पूछता नहीं, बट बैंक सेक्टर के अंदर तो मालूम होना चाहिए। और UPSC में भी अगर आप मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में तो कुछ क्वांटम आपको पता होना चाहिए कि हाँ ओवर 20 से ज्यादा अपने पब्लिक सेक्टर बैंक है, इतना तो पक्का होना ही चाहिए कि 1200 तो नहीं है, कुछ क्वांटम होना चाहिए।
होमवर्क के रूप में आप में से जिन लोगों को अभी बैंक के इंटरव्यू का शेड्यूल है, जो भी बैंक आपने प्रेफरेंस वगैरह दिया है, तो उनका एक तो लॉगो, कलर पैटर्न और नीचे टैग वगैरह क्या होता है, ये थोड़ा रट के रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया तो ऐसा 5 स्टार है, बीच में अंदर लोगों में कुछ चित्र बनाया गया रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये कलर वगैरह, तो ये पूछा जाता है। उसी प्रकार एमबीए के इंटरव्यू में अंदर आपने अगर सेल्स पिच बनाया हो कि मुझे ये वाले सेक्टर में जाना है, तो उस सेक्टर के अंदर जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लोगो टैग ये वो रट के रखना पड़ता है। एनीवेज, हमने अभी तक रिकैप करा बैंकिंग सेक्टर का एवोल्यूशन, आजादी से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे किया गया और क्यों किया गया, उसकी बातें करें। अब ये जो नेशनलाइजेशन किया गया कि मेजोरिटी शेयर होल्डर सरकार बन जाए और सरकार के चुनिंदा लोग ही बोर्ड में रहें और उस प्रकार के नीतिगत निर्णयों को लिया जाए, तो ये बैंक नेशनलाइजेशन करने से क्या नई समस्याएं खड़ी हुई। फर्स्ट, सरकार अपनी तरफ से वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनको फोर्स करने लगी कि सारे इंटरेस्ट रेट, एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब कि ये अगर किसान को अगर गाय भैंस खरीदते हैं तो आप उनको 2% पे दीजिए, ये हैंडीक्राफ्ट तो इसको इतने परसेंट पे आप ब्याज दीजिए, लोन में पैसा दीजिए। एक हेल्दी इकोनॉमी में ये होना चाहिए कि बैंक को जितना डिपॉजिट में पैसा आ रहा है तो अपने कॉस्ट वगैरह के हिसाब से वो तय करे कि मुझे कौन सा वाला प्रोडक्ट कितने में बेचना है, ये हो नहीं रहा था, ये पहली समस्या। सेकंड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी बढ़ गया, ऊपर के लेवल में भी, बोर्ड में भी और नीचे भी ब्रांच लेवल में भी, कि कोई भी एमपी एमएलए आके ब्रांच मैनेजर को धमकाने लगे कि भाई अभी वो चुनाव आ रहा है तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आप लोन मेला लगाइए, जो भी बंदा है तो बस उसका लोन आप पास कर दो, भले वो पिछला लोन उसने रिपे किया हो नहीं किया हो कोई बात नहीं, मेरे जितने भी चमचे लोग हैं तो उनके तो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसान को एक गाय खरीदने के लिए 2% ब्याज पे आपने लोन दिया तो चलो ठीक है, गरीब कल्याण हुआ। लेकिन यहाँ पे ये भी होने लगा कि इनका ही एक बंदा और उसको 200 गाय खरीदने के लिए पैसे दे दिए गए और उसने भी उसमें से 200 गाय तो खरीदी ना हो, वो सारा पैसा किसी और जरूरतमंद को 25% 36% उस ब्याज में वो घुमाएगा। जब लोन का पैसा ये बैंक वाला मांगेगा तो वो देगा नहीं, कोर्ट मैटर होगा तो फिर स्टे ऑर्डर, तारीख पे तारीख, मतलब ये एकदम पूरा जो खड्डे में तंत्र जा रहा था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एम्प्लॉई ये ट्रेड यूनियन बनने लगे, ट्रेड यूनियन और फिर हम इतने ही घंटे काम करेंगे, ये होना चाहिए। अगर कोई बैंक नुकसान भी कर रही है और चाहती है कि मैं अपना कुछ स्टाफ कम कर दूं, ऑल दैट वाज नॉट पॉसिबल, बीआरएस वगैरह कोई था नहीं। अब आप समझिए इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, अपना बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स होने की कगार पे आने लगा। स्वाभाविक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंट्रोल करे। वो कैसे कर सकता है, अपने रिजर्व रेशियो को बढ़ाकर। हमने पहले देखा था डिपॉजिटर्स के पास से बैंक को कुछ पैसा आता है और वो बोरोवर्स को देते हैं, लेकिन सारा पैसा अगर दे दिया तो फिर क्राइसिस हो सकती है। इस कारण सीआरआर और एसएलआर की जो प्रोविजंस थे, अभी के लिए सीआरआर है 4%, एसएलआर इज 22%, लेकिन उस जमाने में क्योंकि ये कभी भी सिस्टम कोलैप्स हो जाए ये हमेशा खतरा रहता था, तो रिजर्व रेशियो या बैकअप आरबीआई ज्यादा मैंडेट करती थी कि सीआरआर तो आप 15% की, जितना पैसा आ रहा है एनडीडीएल में उसमें 15% तो आप एक बाजू ही रखो, किसी को लैंड नहीं कर पाओगे। एसएलआर 40% और टोटल आप करें तो मतलब 55% जितना पैसा आता उसका आधा से अधिक तो आप किसी को लैंड कर ही नहीं पाते, वो बैकअप में, इमरजेंसी बैकअप में ही रखना पड़ता था। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो इकोनॉमी को कैसे नुकसान करती, हाई रिजर्व रेशियो से क्या नुकसान होता है। पहली बात, क्योंकि रिजर्व में ज्यादा पैसा रखना है तो बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए पैसा कम है, और जब लोन में घुमाने के लिए पैसा कम है और बैंक को उतना ही प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है अपना स्टाफ सैलरी लाइट बिल वगैरह के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो जब आम आदमी को दिया जाएगा, जब बिजनेसमैन को दिया जाएगा 80% 90%, इस प्रकार से बहुत ऊंचे दाम पे ये हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। जब लोन महंगी हो जाएगी तो स्वाभाविक है बिजनेसमैन ज्यादा लोन लेंगे नहीं, तो बिजनेस एक्सपांशन पहले से कम होगा। बिजनेस एक्सपांशन कम हुआ तो स्वाभाविक है नई नौकरियां खड़ी नहीं होंगी, अगर नई नौकरियां खड़ी नहीं होंगी तो लोग फिर इनकम टैक्स लोग कम भरेंगे। उसी प्रकार बिजनेस एक्सपांशन कम हो रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स भी कम आएगा, और क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी फिर कम होगा तो जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको मिलता है, सेल टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, वो भी टैक्स कलेक्शन में कम मिलेगा पैसा। अब सरकार को टैक्स में पैसा कम आ रहा है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारी स्कीम आपने चलानी है, तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, उधारी में पैसा लाना पड़ेगा, फिजल डेफिसिट बहुत हाई हो जाएगी। जब फिजल डेफिसिट बहुत हाई हो जाए तो उसके भी बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन वगैरह होते हैं, बजट के वक्त हम देखेंगे। बट द थिंग इज, जब इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है तो ये उसके नेगेटिव आउटकम्स रहे थे। स्वाभाविक है बिजनेस एक्सपेंशन कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी अपने कम होंगे, और इम्पोर्ट तो जो क्रूड ऑयल करना है उतना ही करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जब मिसमैच हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा, वो बढ़ता जाएगा अपना।
और इसका क्लाइमेक्स हम देखें तो 1991 के अंदर फिर हमें देखने को मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस।